और एक आज 50 रुपए के नाम पे हमारा कार्ड दिया गया है, तो पन्नी दे दी गई है, तो नीचे तक चाबी नहीं रही, देख सकते हैं आप, देख सकते आप गड़े की मैं गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज तारीख है 17 अगस्त और हम हैं आबू रोड में। अभी सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल चुके हैं माउंट आबू के लिए। आज रात तेज भयंकर बारिश की वजह से हम कैंपिंग नहीं कर पाए और अब हमने आबू रोड में ही होटल लिया था। अब हम आबू रोड से माउंट आबू के लिए जा रहे हैं और माउंट आबू रोड रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी आप देख सकते हो मौसम क्या शानदार हो रहा है, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और रास्ते का नज़ारा तो अलग ही रोमांच पैदा कर रहा है। जगह जगह झरने गिर रहे हैं, आप देख सकते हो क्या चारों तरफ एकदम बादल छाए हुए हैं और बादलों के बीचों बीच हरियाली से लदे हुए पहाड़ सफ़र को और खूबसूरत बना रहे हैं। देख सकते हो आप ये क्या शानदार झरना है, बहुत खूबसूरत नज़ारा। जब मैं माउंट आबू लास्ट टाइम आया था तो मैं सर्दियों में आया था, तो तब यहाँ का मेरे को सनसेट देखने को मिला था। मैंने ऐसा सनसेट देखा था कि उससे पहले कभी उस टाइप का सनसेट आज तक नहीं देखा था। और अब जब मैं बरसात के दिनों में आया तो मतलब अलग ही माउंट आबू देखने को मिल रहा है, एकदम चारों तरफ पूरी हरियाली, बरसात और बादलों से घिरा हुआ माउंट आबू दिख रहा है। देख सकते हो आप क्या मतलब चारों तरफ एकदम फॉग ही फॉग हो रखा है और हमारी गाड़ी में भी फॉग लैंप जले हुए हैं। देख सकते हो एकदम बेहतरीन नज़ारा, पूरा हिल स्टेशन खूबसूरत हो रखा है और हल्की हल्की बारिश और भी सफ़र को मज़ेदार बना रही है। आप देख सकते हो, आप भी लो इन्जॉय करो हमारे साथ साथ और आपको हम आबू रोड माउंट आबू में पहुंचकर दिखाते हैं। देखिए क्या मतलब जगह जगह झरने तो बहुत शानदार नज़ारे पैदा कर रहे हैं। गाइस फोन छोड़ गया, चलता रहा है, बहुत ही सीढ़ी सीढ़ी पवन और बहुत ही तगड़ा ठंडा जाड़ा, बहुत ही तगड़ा जाड़ा लग रहा है। ये देखे भाई, बहुत ही तगड़ा ठंड एकदम। ये देखिए भाई, भाई नक्की झील देख, आप देखिए नक्की झील, एक पॉइंट खत्म, चलो झीलगा। आप देखिए 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 इनकी शक्ल को, हमको दिखा दे जैकल जानो। ये देखिए गाइस, और अब आप देखिए मुझे, और एक गाइस 50 रुपए के नाम पे हमारा कार्ड दिया गया है, तो पन्नी दे दी गई है, तो नीचे तक चाबी नहीं रही, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप गड़े की मैं। ये देखिए गाइस, बहुत ही ठंडी मौसम हो रखा है और ये भाई साहब कुछ दो शब्द बोलेंगे। भाई साहब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो सबसे हालत खराब है, कहाँ से आ रहे हो आप लोग? हम दांतेवाड़ा। दांतेवाड़ा, क्या बात है, चारों पांच भाई साथ में। अरे वाह यार वाह, अभी कहाँ जाओगे? गुरु शिखर तो बंद है यार, रेड अलर्ट हो रखा है। घूमेंगे इधर ही, धरना से देंगे भाई साहब। बोलो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। चलो भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया, पन्नी उड़ गई। आगे देखिए,
बहुत ही बेहतरीन मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है। नाव भी कुछ बचा होके पड़ी है सर्दी में। ये देखिए बहुत ही खतरनाक वाली ठंड और मौसम एकदम खराब। चैनल बताते हैं यार लोग सब करो अभी अंदर पड़ा हुआ है। जस्ट फील एंजॉय, जस्ट फील एंजॉय, बिल्कुल ब्रो। तो भाइयों का सबका फोटो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दो भाई छतरी वाले खड़े हैं, देखिए ठंड में खड़े ही रहेंगे। ये देख आज आप देखिए टेप लगा के आया है अपने घड़े में। पूरा दिखा, पूरा पड़े 40 रुपए का ऐसे। और ये भाई साहब तो बोलेंगे कि यहाँ का कैसा लग रहा है इनको नजारा। ये कुछ नहीं बोलेगा भाई, यहाँ धान की खेती नहीं हो रही, खजूर की खेती हो रही है। ये आप झरना देख सकते हो इधर से, ये भाई हेलमेट लेके जा रहा है, आप देखिए इसको। ये देखिए, ये देखिए भाई, हालत पत्ता हो चुकी है। ये स्विमिंग पूल आप देखिए, देखिए उस पापी को कैसे नाच रहा है। ये कितना गहरा, ये भाई साहब बहुत ओंडा, ये बहुत ओंडा है। देखिए ये हमारे साथ साथ आज माउंट आबू में बाबा मिल गए हमको, साहेब माधोपुर के। बहुत ही बढ़िया, ये पूरे के पूरे ग्रुप में घूमने आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। सब और बाबा कहते तेजी स्टाइल में धोती कुर्ता नीचे बाकी चामड़ा की चर्बी, हम देखो चामड़ा की चर्बी एकदम पलटी हो जाएगी बारिश में भीजगी। बाबा ने बात रखा मुंडासो कहते देसी स्टाइल में। अरे ब्लॉगर यार, ये देखिए। हाँ बाबा, राम 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 राम। अच्छा अच्छा अच्छा, बाबा दो शब्द खेवा चाहो तो खे दो। हमें कैसा लगा आपको माउंट आबू? अच्छा लगा, कैसा लगा मतलब बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा भैया। थोड़ा सा ज्यादा खराब होगा, बारिश हो रही है, बारिश जरूर आ गई। जस्ट फील एंजॉय, जस्ट फील एंजॉय। ये बड़ी माँ भी है देख लो इनको, दादी बहुत दूर आई गुम्बा। फोटो दिख रहा है, फोटो देखो वहाँ दिख रहा, राजस्थान भ्रमण पे चल रहे कैमरा छोटा सा। दादी ने पहली बार देखा है कैमरा। दादी आगे आ जाओ, या कैमरा दादी छोटो सो, या हम फोटो दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा हूँ इतने से इनको भी दिख रहा है, पेना से भी देखो इतने से भी दिख रहा है। भाई सब्सक्राइबर लाखों में, तुम तो सब्सक्राइब करो, तुम्हारा सबका फोटो आएगा। बहुत ही बढ़िया, चार तरफ घुमा दे एक बार। बोलो बस्ती माता की जय, बोलो आज के आनंद की जय, बोलो हर हर महादेव। आ जा, बहुत भयंकर गाने पड़ रहे और बहुत तगड़ी सर्दी कड़ाका की ठंड पड़ रही है कतई। ये हमारी गुग्गी है थैली की, जिसमें झाड़ा लग रहा है बहुत तगड़ा, और कौन चल रही है बहुत भयंकर तगड़ी ठंड है, और खोपड़ी दुबनी रही है इसमें, और हम फिर भी नहीं मान रहे, और हम मान नहीं रहे बाबा, घूमना है बाबो मिल को माँ, तो वहां से बढ़िया बतलाया हम दवाई माधोपुर का था बाबा। ₹25 आप कहाँ से आए हो? बोटाद। कोटा बोटाद। अच्छा बोटाद, ये कहाँ पे?
अपने भावनगर जिला। अच्छा भावनगर जिला हम बच्चे के साथ में। अरे पूरी फैमिली मजा आ रहा है। पूरे पूरे पर मौसम खराब हो गया। अरे क्या मजा है, इतना मजा। अरे वाह वाह, बोलो इंकलाब जिंदाबाद। आप भाई हम तो करो भी चलो भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ये अब हम यहाँ से रवानगी ले रहे हैं। ये हमारी गाड़ी उसे 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 सब उसे ऐसा रुक जाओ। तो हम नक्की लेक के आसपास का इलाका घूमने के बाद अब जा रहे हैं हम गुरु शिखर की तरफ। और नक्की लेक के का ही घूम पाए, ऊपर टोड रॉक का आउट जाने के लिए बंद कर रखा था हैवी बारिश की वजह से, हैवी रेन की वजह से। तो सेफ्टी पर्पज से सारा मतलब बंद था। नक्की लेक के आसपास हमने एंजॉय किया और हम जा रहे हैं।